तो आइए आज आपको चौथा चैप्टर सिंटैक्स पढ़ाते हैं। इसके पहले तीन चैप्टर आपका ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी सभी एक्सरसाइज और रूल्स सहित वीडियो भी अपलोड है। अगर जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, चैनल से मेरे पढ़ लेना। चलिए अब सिंटैक्स पे चलते हैं। पहला देखिए है परिभाषा, इसमें दिया गया है कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। मतलब वाक्य में शब्द जो है उचित स्थान पर और सही रूप में प्रयोग अगर रहेंगे तो उन्हीं को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य रचना या वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन मतलब वाक्य में कुछ गलती रहेगी उसको संशोधन करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इसमें पढ़ना होगा। अंग्रेजी में परिभाषा, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये जे एस आर्मर एक विद्वान हैं, ग्रामेरियन हैं, व्याकरणाचार्य, उनकी परिभाषा है। आता है इसके अंतर्गत हुए सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य हैं। अगर आप सही अंग्रेजी लिखना चाहते हो पेपर में तभी आपको सही नंबर मिलेगा, तो उसके लिए सारे नियम इसमें दिए गए हैं, तो इसको आप इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़िए। पहला नियम है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल माने होता अग्रशब्द, अग्रशब्द होता है या उपपद होता, दो हिंदी इसकी होती है। तो आर्टिकल आप लोग ए एन द का प्रयोग पढ़े हो, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसे रूल्स इसमें मिल जाएं जो आपको जानकारी नहीं थी। अगर है तो अपनी जानकारी कंफर्म करो। क्लियर? इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, जहाँ एन लगेगा वहाँ ए लगा देगा, नहीं तो द लगा देगा, उल्टा सीधा लगा देगा, ठीक ना? तो आपको सही ढंग से लगाया है कि नहीं, ये चीज़ तभी ज्ञान होगा जब आप पढ़े रहोगे। तो देखते हैं, अंग्रेजी में ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। समझ लीजिए, रटना कोई जरूर नहीं है, पेपर में ये नहीं आएगा, रूल समझना है, इसलिए आप उसको दिमाग में बैठाइए पॉइंट वाइज। अब देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है इनडिफिनिट आर्टिकल, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। बात करें इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं उसको भी जान लो। इनडिफिनिट माने होता है अनिश्चित, और डिफिनिट माने निश्चित होता है, डिफिनिटली माने निश्चित रूप से होता है। अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं इनको, अनिश्चित आर्टिकल इसलिए कहते हैं, अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं, कोई कन्फर्म नहीं, जो निश्चित नहीं रहता है तो उसके पहले ए या एन लगा देते हैं। निश्चित ना होना का मतलब ए एन का अंडरस्टूड सेंस होता है, एनी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन जब वो निश्चित हो जाता है तो कोई भी नहीं हो सकता है, तो वही होता है जिसके बारे में वक्ता बात करता है, तब वो हम डिफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक? तो जैसे आई सा ए बॉय, मैं एक लड़का देखा, तो अब ए बॉय मतलब एनी बॉय, कोई एक लड़का था, निश्चित नहीं था कौन लड़का था, मैं जा रहा था कहीं पर, किसी लड़के को मैं देख लिया, तो एनी बॉय हो सकता, कोई भी लड़का है तो उसी को हम कहेंगे आई सा ए बॉय। ही सा एन आउल, वह एक उल्लू देखा, तो मतलब वह एक एनी आउल दिया ना, मतलब कोई उल्लू था वह उसने उसको देख लिया, निश्चित नहीं था कि भाई निश्चित नहीं है कि कौन उल्लू है कौन लड़का है, मतलब देख लिया। अब जब देख लेंगे उसके बाद निश्चित हो जाएगा, अगर तब दोबारा बताएंगे तो उसके बारे में तो हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यही वाक्य अगर जैसे होता है, आप स्टोरी बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, पैसे जल करते हैं, उसमें यही होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आई सा ए बॉय, मैं एक लड़का देखा, द बॉय वाज वीपिंग ऑन द रोड, लड़का सड़क पर रो रहा था, या द बॉय वाज बेगिंग, लड़का भीख मांग रहा, तो कुछ भी है, जब दोबारा बॉय लिखोगे तो द लगा के बोलो, क्योंकि वहाँ निश्चित हो गए हो, पहली बार निश्चित नहीं थे, तो पहली बार जब उल्लेख किया जाता तो उसके पहले ए आई एन लगता, दोबारा जब बताया जाता वही नाउन तो द लग जाता, क्योंकि वो निश्चित हो जाता। क्लियर? अब इसमें जैसे ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू देखा, आगे फिर बताना होगा कि द आउल वाज, ठीक है, थर्स्टी, उल्लू प्यासा था, जो भी आप बताना है इस तरह से बताओगे। आगे देखिए, दिया गया है इनका प्रयोग साधारणतया काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। काउंटेबल माने तो जिसको गिन सकें, गिने, जैसे एक की अंग्रेजी ए या एन होता है, एक नहीं भी है तब भी ए या एन लगेगा जिसको गिना जा सके। क्योंकि देखिए बात यह है कि जो गिना जा सकता है नाउन, उसके पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, माई, योर, हिज, ये सब नहीं है, द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एपोस्ट्रॉफी एस भी नहीं है, तो हम ए एन लगा देते हैं, ठीक? ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। अब यहाँ पे भी बताया नीचे कि अनकाउंटेबल नाउन को ना गिन, जिसे गिना ना जा सके उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे करें ए चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी लकड़ी की बनी होती है, तो लकड़ी को यहाँ गिनने के रूप में नहीं दिया गया, लकड़ी भाई, ठीक है, गिन के नहीं दिया जाता, तौल के दिया जाता है या फिर से नाप के दिया जाता है, ठीक ना? तो इस तरह से
जिसको हम गिनते नहीं है उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। इस वाक्य में चेयर काउंटेबल है यानी गिन सकते हैं, एक इसके पूर्व का प्रयोग हुआ, लकड़ी अनकाउंटेबल, इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा डिफिनिट आर्टिकल करें, डिफिनिट आर्टिकल द डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले होता है, मतलब जो नाउन निश्चित रहेगा उसके पहले लगेगा। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं टीचर से मिलने गया, तो द टीचर ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास के टीचर, टीचर मतलब कोष्ठक में दिया हमारे क्लास के टीचर। अब ये बताएं आप टीचर से आप मिलने गए हो तो निश्चित होना कि आप कन्फर्म हो कि किस टीचर से हम मिलने जा रहे हैं, आप उनसे परिचित भी हो तो द लगा के बोलोगे। क्लियर। ये नहीं कि पहली बार आप टीचर से मिले हो, तो पहली बार मतलब कि मैं एक टीचर से मिला, आई मेट ए टीचर कह सकते हो, मैं क्लियर भाई कहीं जा रहा था तो कोई मिल गया तो वो मौके से टीचर था तो वहाँ ये बता सकते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैं टीचर से मिलने गया तो इस बात से पता चल रहा है कि वो परिचित है, द लगा के इसलिए बोला है। क्लियर हो गया। वो खास टीचर होता है, निश्चित टीचर होता है, विशेष टीचर होता है। अब देखिए ए का प्रयोग, ए एन द का प्रयोग हम विस्तार से पढ़ते जा रहे हैं, रूल फटाफट देखते हैं। रूल नंबर एक, इनडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उस नाउन के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है, जिनका उच्चारण व्यंजन की आवाज से होता है। एक बात यह भी ध्यान ले, जिनकी गिनती की सकती है ए का प्रयोग उसके पहले होता है, और ऐसे शब्द के पहले होगा जिनका उच्चारण व्यंजन व्यंजन से हो। व्यंजन हिंदी में जान लीजिएगा, हिंदी में व्यंजन होता है क से लेके ज्ञ तक, उसको व्यंजन कहते हैं। और स्वर होता है आ से आह तक, आ से आह तक को हम स्वर कहते हैं, और क से ज्ञ तक को व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान देना, जो व्यंजन अंग्रेजी का शब्द चाहे जो हो, स्वर हो या व्यंजन, उसे नहीं वावेल हो या कॉन्सोनेंट, आवाज़ पे आपको केवल ध्यान देना है। आवाज़ में अगर क से ज्ञ तक के बीच की आवाज़ आ रही पहला अक्षर, तो आप ए लगा देना, नहीं तो एन लगा देना, बस। क्लियर। देखते हैं, ए डाग, डाग में डा आ रहा है ना, वोमेन में वा आ रहा है, हार्स में हा आ रहा है, बॉय में बा आ रहा है, टेबल में टी आ रहा है, टा आ रहा है, तो ये सभी क्या है, मतलब कि भाई व्यंजन की ध्वनि है। नीचे देखिए दिया गया ये शब्द क्रमशः डा वा बा हा टा बता रहे हैं, इनके पूर्व ए लगा है। क्लियर हो गया ना, व्यंजन की आवाज़ है तो कन्फर्म ए रहेगा। दूसरा नियम देखिए, यू की आवाज़ हो, जब यू की आवाज़ यू हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पहले भी ए लगेगा। क्यों, आप लोग छोटे क्लास में ये पढ़ते थे कि भाई बाविल ए आई ओ यू से पहले एन लगाते हैं, बाकी किस के साथ ए लगाते हैं, तो वो रूल अब मत पढ़िए, ठीक। अब आपको बड़े क्लास में हो तो आप इतना जानिए कि आवाज़ पर केवल ध्यान देना है हमको, व्यंजन की आवाज़ रहेगा तो ए लगेगा, बस। अब देखिए ऊपर वाले में व्यंजन की आवाज़ है ना, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा, लेकिन नीचे व्यंजन है, यू यू कॉन्सोनेंट नहीं है, सॉरी स्वर है, ए ई आई ओ ई भी स्वर है, देखिए यूरोपियन में, लेकिन यहाँ यू स्वर है, स्वर से पहले ए क्यों लगा है, क्योंकि यू की आवाज़ देखिए या आ रहा है, जब लिखोगे तो या आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यह आपका व्यंजन है इसलिए ए लगा है। यूरोपियन में भी यह आ रहा है, यूटेंसिल में भी आ रहा है, यूनियन में भी यह आ रहा है। वहीं यू से देखिए अम्ब्रेला जब पढ़ते हो, आयन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि वहाँ यू को आप पढ़ भी रहे हो इसलिए वहाँ आयन लग रहा है, लेकिन यहाँ यू को आ नहीं पढ़ रहे हो, ना तो आ पढ़ रहे हो, ना तो छोटा ऊ पढ़ रहे हो, ना बड़ा ऊ पढ़ रहे हो, ये सब आपका स्वर है, तो जब उसको पढ़ोगे तब आयन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अगला सी वाला रूल देखिए, जब ओ की आवाज़ वाह हो, अगर ओ से ओ पढ़ोगे तब तो आयन लगेगा, जैसे आयन आउल ओ या बड़ा, लेकिन ओ को वाह पढ़ोगे, जैसे ए वन आइड मैन, तो वन में वाह आ रहा ना, तो ए लगेगी, इसीलिए वन आइड मैन माने होता है काना आदमी, जिसके एक आँख हो और दोनों आँख नहीं देखता, तो उसको हम अंधा कहते हैं, एक आँख से गड़बड़ रहता है तो उसको हम काना कहते हैं। क्लियर हो गया। वन ए वन रूपी नोट, अब वन में भी देखिए ओ से वा रहा है, सीधी बात ए लगेगा। डी वाला रूल देखते, एक बचन में जातिवाचक से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन से पहले भी ए लगता है एक वचन में, एक का सेंस कराने के लिए, जैसे ही हैज ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब है, तो यहाँ ए बुक, ठीक है, एक मतलब एक होता है, बुक वैसे भी बा है, क्या
डब्लू का कहाँ, डब्लू नहीं समझ में आया, सी वाले में देखिए, बताए थे आप सुने नहीं, ध्यान फिर से देख लीजिए, अपनी गलती नहीं दोगे। हम इसमें ये बताए थे ओ की आवाज वाह हो, वाह डब्लू से बनता है, लेकिन इसमें वन आइड में ओ से वाह डब्लू की आवाज दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो डब्लू अलग से नहीं मिलेगा आपको, मतलब डब्लू से वाह बनता है लेकिन जब ओ से वाह बने तब ए लगेगा। अब बात समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ ओ से डब्लू की तरह वाह पढ़ा जा रहा है इसलिए ए लगेगा। आगे डी वाला, एक वचन में जातिवाचक संज्ञक पहले एक का भाव प्रकट करने के लिए ए लगता है, तो जान ही रहे हम, ही है जो बुक, बुक कॉमन नाउन है तो उसके पहले ए लगता है। ई वाला देखिए, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए लगता है, एनी मतलब कोई भी हो सकता है, ऐसा भाव प्रकट करने के लिए ए लगेगा। उदाहरण, ए किंग हैड फोर सन्स, राजा के चार पुत्र थे, एक मतलब एनी, कोई राजा था उसके कितने पुत्र थे, चार, ठीक है, तो वही चीज ए लग गया, किसी राजा के चार पुत्र थे, इसका शुद्ध हिंदी हो गया एनी माने कोई है, किसी राजा के चार पुत्र थे, अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा परीक्षा में तो किसी राजा के चार पुत्र थे, ठीक है, एक का नाम राम दूसरे का नाम लक्ष्मण, इस तरह से राजा दशरथ की एक कह दो, मान लीजिए इस तरह से वहाँ आपको ए लगाना पड़ेगा, ए किंग हैड फोर सन्स। एफ वाला है, ए से दस सेम का भाव भी प्रकट होता है, दस सेम माने उसी प्रकार या समान रूप से, जैसे देखिए बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स माने होता पक्षी, फीदर माने होता पंख, फ्लॉक माने होता झुंड, टुगेदर माने सौद, मतलब एक ही पंख जैसे के पक्षी लोग जो है झुंड में साथ साथ रहते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। बर्ड्स माने पक्षी, ए फीदर माने एक ही जैसे पक्षी, एक ही पंख, ऐसे पक्षी जिनका एक ही जैसा पंख हो, यानी एक मतलब सेम हो या नहीं हो, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी जानते हो क्या होता है, एक ही स्वभाव के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना, ये इसका है, मतलब कि जैसे पक्षी हैं, जैसे तोता के झुंड में तोता ही रहेगा, कौवा के झुंड में कौवा ही, उसी तरह से बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर का, तो इसका एक ही स्वभाव के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, आदमी के हिसाब से इस तरह साथ लिया जाता है, लेकिन इसका शुद्ध कहावत के हिसाब से इसका जानते हो क्या क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो इसकी अंग्रेजी बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, क्लियर, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो इन सभी की भी अंग्रेजी यही होती है, क्लियर हो गया। आगे है जी वाला, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व ए का प्रयोग होता है, जैसे ही इज ए साइलाक, वह एक साइलाक है, वैसे साइलाक तो व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्लियर, लेकिन 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 अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग यहाँ बता देना कॉमन नाउन की तरह हो जाए, कॉमन नाउन की तरह मतलब क्या, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो एक वर्ग को समान रूप से नाम दिया जाता है, किसी कैटेगरी को, वर्ग या जाति को, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो मतलब साइलाक तो एक है, एक स्पेशल नाम रहेगा तो साइलाक, लेकिन किसी और को मिला दिया जाए, कॉमन नाउन माने तो साझा नाम, किसी को और को मिला के तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, तो यहाँ साइलाक एक और बताया जा रहा है, देखिए बता रहे हैं इसको, वह एक साइलाक का मतलब क्या, देखिए नीचे व्याख्या क्या किया गया, यहाँ साइलाक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में किया गया, अर्थात एक क्रूवेल मनी लेंडर, एक निर्दयी महाजन। साइलाक क्या था कि ये शेक्सपियर का एक नाटक लिखे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें साइलाक एक विलेन है, करेक्टर है, पात्र है, वो खलनायक है, तो साइलाक बहुत निर्दयी महाजन था, तो अगर कोई भी आदमी निर्दयी रहेगा तो उसको कह देंगे कि वह क्या है, साइलाक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में तो आप फिल्म देखते हैं तो अमरीश पुरी, तो भैया वो भी निर्दयी है, तो मतलब कहें भैया ये अमरीश पुरी है, मतलब कोई अगर उस तरह की क्वालिटी रख रहा है तो हीज ए आयन अमरीश पुरी कह देंगे, क्लियर, हीज ए सलमान खान, कोई सलमान खान की तरह आपको हैंडसम लग रहा है, स्टाइल मार रहा है, आप कहेंगे हीज ए सलमान खान, क्लियर, इस तरह से आप कह दें, क्लियर, सी जैन ऐश्वर्या राय, इस तरह से कुछ भी कह सकते हो, क्लियर, ही जो सचिन तेंदुलकर कह देते, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसकी मतलब उससे संज्ञा दे देते हो, क्लियर, ही जो विराट कोहली,
यच वाला उदाहरण मतलब हम देखते हैं रूल, ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ ए का प्रयोग होता है वही बता दे रहा, प्रति के अर्थ में भी ए लगता है, ए माने एक और प्रति माने भी एक होता है, गणित में पढ़ते हो परसेंट प्रतिशत 100। तो ही अर्न्स 3000 ए मंथ माने पर मंथ, इसका हिंदी जब निकालोगे ना वह 3000 रुपये प्रतिमाह कमाता है। 3000 रुपये एक माह नहीं का, एक माह में कमाता कहो या प्रतिमाह, बात एक ही हुआ ना। तो ए का अर्थ यहाँ पर के रूप में, पर मंथ की जगह ए मंथ लिख दिया गया, क्लियर। निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए, ए नॉइज, अब यहाँ कुछ फ्रेज दे दिए गए हैं, फ्रेज में ए लगा रहता है उसको हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे मेक के साथ लिखते हो ना ए नॉइज, मेक नॉइज नहीं लिख सकते, ए लगाना ही पड़ता है। पीटी माने टेकिंग ए पीटी, टेक ए पीटी, दया दिखाना, तरस खाना, ए न्यूसेंस परेशान करने वाला व्यक्ति या वस्तु, बैड कोल्ड बुरा सर्दी, ए बैड कोल्ड, ए हेडक जैसे ही है जो हेडक उसका सिर में दर्द है, टेम्परेचर टेम्परेचर तापमान, ठीक है दिस इज हाई टेम्परेचर, इस तरह से कुछ भी हम करते हैं। आगे है अनेक इडियमटिक फ्रेज में ए का प्रयोग, इडियम माने होता मुहावरा, तो इडियमटिक फ्रेज माने तो मुहावरेदार शब्द समूह या वाक्यांश, उनमें भी ए का प्रयोग होता है। अगर जैसे किसी मुहावरे में ए का प्रयोग है तो हम उसको हटा नहीं सकते, इसलिए उस वहाँ ए का प्रयोग करना पड़ेगा। परीक्षा में अगर मुहावरा दे दिया ए नहीं लगा तो आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। देखते हैं उदाहरण, आल ऑफ ए सडन मुहावरा है, इसका मतलब होता है अचानक, आन ए लार्ज स्केल माने होता बड़े पैमाने पर, टू बी इन ए हरी माने होता जल्दी में होना, टू बी इन ए रोज रेज माने होता क्रोध में होना। तो ये सभी मुहावरे हैं, इनके साथ हम ए लगाएंगे। तो आई होप ए का प्रयोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब चलिए आप लोगों को आयन का प्रयोग बताते हैं, आयन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला रूल हमारा कह रहा है, रूल में ए कह रहा है कि इनडिफिनिट आर्टिकल आयन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता जिसके जो किसी स्वर यानी ए ई आई ओ यू से आरंभ हो, उनका उच्चारण बाबेल की तरह होता है, मतलब स्वर से शुरू हो और स्वर की तरह पढ़े भी जाए, आसिया तक उसकी हिंदी में भी आए पहला अक्षर, तो आयन लगाओगे, क्लियर। उदाहरण आयन एलिफेंट, आयन आयस, आयन ऑरेंज, आयन अम्ब्रेला, आयन इंकपाट, स्वर की तरह पढ़ा जा रहा है, आयन लगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे दूसरा, जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता हो उनमें उनके पहले आयन का प्रयोग होता है, इतना ध्यान देना, यच से कोई शब्द शुरू हो लेकिन यच साइलेंट रहेगा तो आयन लगेगा। जैसे आयन आवर, इसको आप टेंस में पढ़े ना, वह एक घंटे से पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। आयन आनेस्ट, इसमें भी यच साइलेंट है, ऑनरेबल में यच साइलेंट है, एयर में यच साइलेंट है, एयर माने उत्तराधिकारी, जहाँ भी यच साइलेंट रहेगा वहाँ यच के बाद स्वर ही आता है तो इसलिए आयन लग जाता है, क्लियर। यानी कि यच के बाद से हम बोलना शुरू करते हैं, आवर पढ़ते हैं यच को नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं तो अब इसलिए वहाँ आयन लगेगा। अगला सी वाला रूल है, जब कोई शब्द हा से प्रारंभ हो, ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो तो बहुधा आयन का प्रयोग होता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हा से तो लिखे यच से लिखे जाते हैं लेकिन पढ़ने में हा को हम तेजी से बोलते नहीं, उस पर जोर ही नहीं देते हैं, बहुत ना के बराबर बोलते हैं, तो वहाँ भी आयन का प्रयोग हो सकता है। जैसे उदाहरण हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल हा बहुत तेजी से नहीं बोलते, कम जोर दे रहे हैं, इसलिए आयन हिस्टोरिकल, आयन हिस्टोरिकल बोल दिया गया, आयन हिस्टोरिकल, अनहिस्टोरिकल, यच को हम उसमें साइलेंट कर दे रहे हैं, आयन हिस्टोरिकल, क्लियर, ना के बराबर बोल रहे हैं। आयन होटल, आयन होटल, ठीक है ना, आयन लगा दिए होटल, होटल को हम थोड़ा हा पे जोर नहीं दे रहे हैं तो आयन लगा देते हैं। वैसे ये मतलब रूल है लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में होटल वगैरह के पहले, हिस्टोरिकल के पहले भी ए का प्रयोग होने लगा है, समझ गए कि नहीं। बात पर जोर ना देने के लिए यहाँ आयन का प्रयोग हो सकता है, बताया गया है, लेकिन अगर आपकी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया है तो मान लीजिए सभी ऑप्शन एकदम ही गलत है लेकिन आयन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग भी किया गया होटल पहले, आप ए लगा सकते हैं, क्लियर, नहीं तो आपको करेक्ट करने के लिए देगा तो आयन लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके बुक में जो है स्रोत है भाई। आप गलत अगर आपको कॉपी जचेगी तो आप ऑब्जेक्शन करोगे आयन लगेगा तो सबूत आपको दिखाना पड़ेगा, तो सबूत दिखा दोगे कि हाँ इसमें आयन है तो आपको नंबर मिल जाएगा, आयन लगाया हो, क्लियर। तो इसलिए बुक सबूत रहती है, इसलिए आप इस हिसाब से करिए, लेकिन वो बात की बात है, कहीं अगर ए भी लगा है तो गलत नहीं मानेंगे कि आजकल होने लगा प्रयोग, पहले इनको साइलेंट माना जाता था, हिस्टोरिकल होटल ऐसे पढ़ा जाता था लेकिन अब जो है साइलेंट नहीं माना जाता है, इसलिए ठीक है उस नियम से, पुराने नियम के अनुसार आयन भी सही है।
तो कंडीशन के ऊपर है, अगर ऑप्शनल में अगर एन नहीं है, सब कुछ सही है, तो इस तरह से जो है हिस्टोरिकल और होटल के पहले एन लग सकता है, क्योंकि इन पर जोर नहीं दिया जाता है। डी वाला है, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण बावल के समान होता है। जैसे मतलब व्यंजन से भले हैं लेकिन उच्चारण बावल के समान हो रहा है, तो उसके पहले भी एन लगेगा। जैसे एम ए में देखिए, एम ए ए आ रहा है ना, भले ही एम लिखा गया लेकिन माँ पढ़ा नहीं जा रहा, ए पढ़ा जा रहा शुरुआत में, एन लगेगा। एल एल बी में एल लिखा जा रहा है, ए आ रहा है इसमें भी। एस डी ओ में ए आ रहा है, एस पी में एस ए आ रहा है, तो ए आ रहा है स्वर ना, इसलिए एन लगेगा। लेकिन इसी का अगर फुल फॉर्म कर दिया मास्टर ऑफ आर्ट, तब ए लग जाएगा। एस पी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ए लग जाएगा, ठीक है। एस डी ओ है सब डिविजनल ऑफिसर, एस पी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस पढ़ रहे, एस नहीं, एस नहीं पढ़ते, ए पढ़ते हैं, ए सर, ए स्वर है आपका, इसलिए एन लगा, ठीक। ये क्रमशः देखिए नीचे दिया भी गया इसका उच्चारण, एम एल एस ध्वनि से प्रारंभ होते आता है, एन का प्रयोग किया गया, दिया ना नीचे, वहां पढ़ लिए। अब चलिए आप द का प्रयोग पढ़िए, ठीक है। एक अब एन का प्रयोग हो गया, अब द का प्रयोग देखते हैं। द का प्रयोग करें कि रूल नंबर एक है, द का प्रयोग उस समय होता जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका है या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे किसी खास, कोई हमारे लिए खास हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, या जिसका हम एक बार उल्लेख कर चुके हैं अभी बताए थे ना, तो दोबारा करते समय द का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के हम उससे वक्ता परिचित रहता है या उससे परिचित है तो द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक्य जो दिया गया, द बुक यू वांट, जो किताब तुम चाहते हो, द माने जो भी होता है वह भी कह सकते हो, वह किताब जो तुम चाहते हो या जो किताब तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट, वह प्रिंट से बाहर है, यानी प्रिंट नहीं हुई, छपी नहीं अभी। तो यहाँ अगर किताब के बारे में किसी को बता रहा है कि जो किताब तुम चाहते हो अभी छपी नहीं है, तो इसका मतलब अगला आदमी जो कह रहा है तो किताब, खास किताब कोई होगी तो उसकी बात कर रहा है और उससे परिचित भी है, क्लियर हो गया ना, तो द लगा के बोल रहा है इसलिए। अगला है, द बॉय यू सी इज माई सन, वह लड़का जिसे तुम देखते हो मेरा पुत्र है, या जो लड़का तुम देख रहे हो मेरा पुत्र है। तो अगर कोई आदमी किसी को बता रहा है कि जो लड़का देख रहा हो मेरा पुत्र है, तो उस लड़के से वो परिचित रहेगा ना, और उसके लिए वो लड़का खास रहेगा, तो द लगा के इसलिए वो बोलता है, ठीक ना। अगला बी वाला रूल देखते हैं, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी लगता है। इन सभी का नाम, नदी, नहर से लेकर जितना बताया गया, इनके पहले द लगेगा। उदाहरण देख लेते हैं, सबका दिया भी गया, द हिंदुस्तान, द हिमालय पर्वत का नाम देखिए द लगा, गंगा के पहले द लगा, स्वेज कैनल, कैनल माने नहर होता है, स्वेज नहर के पहले द लगा, रेड सी माने लाल सागर के पहले लगा है, इंडियन ओशियन भारतीय महासागर के पहले लगा, पर्सियन गल्फ माने फारस की खाड़ी, उसके पहले भी खाड़ी का नाम है द लगा, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट माने रेगिस्तान का नाम है ये भी, वेस्ट इंडीज ये द्वीप का नाम, इसके पहले द लगा है, ताजमहल इमारत का नाम, इसके पहले द लगा है, क्लियर हो गया। नोट देख लीजिए, पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं होता, इतना ध्यान देना, पर्वत शिखर माने होता है चोटी, अगर पर्वत की चोटियों का नाम रहेगा ना द नहीं लगेगा, पर्वत के नाम खाली पहले लगेगा, चोटी पहले नहीं, क्लियर। उदाहरण माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, ये दोनों चोटी का नाम है, तो ये दोनों आप याद ही कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू के पहले द मत लगाइएगा, क्लियर। सी, क्योंकि देखिए जिसके पहले नहीं लगता पेपर में आपको, उसके पहले दाग लगा के देगा, कह देगा इसमें क्या गलती है, तो द हटा दोगे सही हो जाएगा, और जिसके पहले नहीं लगाया रहेगा तो लगा दोगे, ठीक। जो सही रहेगा वही करना पड़ेगा, जिसके पास नहीं लगता तो उसको हटाना पड़ेगा, लगता है तो लगाना पड़ेगा। सी वाला देखिए, एक वचन के कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द काउ इज एन इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, तो यूजफुल में ये आ रहा था, ये लगा। और जैसे गाय जो है, द काउ, द कहाँ लगा है, द क्यों लगा है काउ पहले, गाय एक उपयोगी जानवर है, क्योंकि यहाँ एक कई गाय नहीं बताया जा रही, पूरी जात क्या बोल, जितनी गाय हैं सभी गाय उपयोगी हों, इसलिए पूरी जात को बताने के लिए द का प्रयोग होता है। दूसरा, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता, तो जितने कुत्ते हैं सभी वफादार होते हैं, क्लियर। आप उसको भोजन दे दो तो कुछ नहीं तो आपके घर की रखवाली ही करता है। डी,
धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी द लगेगा। धर्म की किताब कोई भी रहेगी, हिंद रामायण बाइबल कुरान कोई भी रहेगी उसके पहले द देखिए लगा, गी तक पहले लगा, कुरान बाइबल बाइबल है, बाइबल ईसाइयों की पवित्र किताब है, ठीक है ना, ईसाई धर्म की। लेकिन कह रहे हैं कि जब पुस्तक के नाम के पहले कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द नहीं लगता। जैसे उदाहरण वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि की किताब, अब यहाँ वाल्मीकि नाम दे दिया जो रामायण को लिखे हैं तो द नहीं लगेगा, क्योंकि एपोस्ट्राफी एस लग गया, तो जब एपोस्ट्राफी एस लग जाएगा तो द लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इसी तरह से दिया गया वेद व्यास महाभारत शेक्सपियर जूलियस सीजर। ई वाला देखिए नियम, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर होता है। कोई दिशा रहेगी, दिशा का नाम जैसे पूरा पश्चिम उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके पहले अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो जरूर द लगा रहेगा। उदाहरण ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, साउथ दिशा का नाम है तो इसके पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम है इसलिए द भी लगा है। माय हाउस फेसेज ईस्ट, अब यहाँ देखिए ईस्ट दिशा का नाम है ना, लेकिन अगर पहले कहीं प्रीपोजिशन नहीं है तो इसलिए इसमें द नहीं लगा। क्लियर हो गया ना, तभी द लगेगा नहीं तो नहीं लगेगी, यही तो रूल कह रहा है हमारा। द ईस्ट माने पूर्वी देश, द वेस्ट माने पश्चिमी देश। चलिए आगे देखते हैं। यफ वाला है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे द ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर आपका प्रॉपर नाउन, इसके पहले ग्रेट एडजेक्टिव है तो द लग जाएगा, महान शेक्सपियर। द इमोर्टल गांधी, महान गांधी, अब यहाँ गांधी प्रॉपर नाउन, इमोर्टल आपका एडजेक्टिव, इसलिए द लग गया। एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो द लगभग करेगा। एक नियम और बता दे रहे हैं, दूसरे बुक में दिया है, अगर प्रॉपर नाउन के पहले या बाद में भी रहता है एडजेक्टिव तब भी द लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट यह भी सही है, माने अशोक महान। हरिश्चंद्र द ग्रेट, पहले कक्षा साथ में आप लोग पढ़ रहे होंगे, एक पाठ था हरिश्चंद्र महान की अंग्रेजी, हरिश्चंद्र द ग्रेट दिया था, तो मतलब बाद में अगर ग्रेट आ जाएगा तो भी द लगे, तब वो टाइटल बताने लगता है। तो टाइटल उनको महान कह के, अशोक महान कहा गया, हरिश्चंद्र महान कहा गया, तो टाइटल बताने के लिए भी इसके पास बाद एडजेक्टिव आता है, द लग जाता है। क्लियर हो गया। तो चलिए एक एक्स्ट्रा रूल आपको बता दिए क्योंकि इसी से रिलेटेड था। अगला, समाचार पत्रों के नाम के पहले द लगता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, कोई भी समाचार रहेगा न्यूज़पेपर तो द लगा के लिखोगे आप। अगला है, जहाज वायुयान ट्रेनों के नाम से पहले, जहाज का नाम है वायुयान, माने जैसे जहाज पानी वाली जहाज, वायुयान हवाई जहाज, और ट्रेन का नाम रहेगा द लगा के आप लिखेंगे। जो उदाहरण जहाज का नाम देखिए, विक्ट्री जहाज का नाम है, ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, ठीक है ना, और एक पानी वाली जहाज, अच्छा टाइटैनिक भी जहाज सुने होंगे आप, उसके पहले भी द लगेगा। विक्रांत है, तमाम सारे जहाज हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कुछ प्रांत देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द लगता है, और कहाँ कहाँ द लगता है, जैसे पंजाब जो है इसके पहले द लगेगा, क्योंकि पांच नदियों का क्षेत्र है, पंजाब बना है पंच धन आब, पंच माने पान, आब माने पानी, जहाँ पांच नदियों का पानी बहता है उसे पंजाब। देखिए लैंड ऑफ फाइव रिवर्स दिया ना, तो नदी पहले द लग भी करता है, पंजाब के पहले भी द लगे क्योंकि वहाँ पांच नदियों का पानी बहता है। क्लियर हो गया। डेक्कन ये साउथ है, ये मतलब भौगोलिक नाम है, इसके पहले द लगेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक नाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाई दोनों देशों का, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इसमें आते हैं ना, तो स्टेट्स इसीलिए लगा है। तो बहुवचन का जो नाम रहता है ना उसके पहले भी द लगता है, बहुवचन में लिखा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर, वहीं केवल अमेरिका रहेगा द नहीं रहेगा। जे बताते हैं, कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो एक ही होती है उनके पहले भी द, जैसे इस दुनिया में जो केवल अनेक अकेली हैं उनके पहले भी द लगेगा। उदाहरण देखिए, सूर्य अकेला है, चंद्रमा, अर्थ, स्काई, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये इमेजिनरी लाइन है, इन सभी के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। के वाला देखते हैं, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता, ठीक है। अवसर, ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी कि समूहवाचक संज्ञा का काम करता, विशेषण का नहीं। जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी द लगा देते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा पूरे ग्रुप को, समूह को बताने लगता है, तो कॉमन नाउन का काम करने लगता है, एडजेक्टिव पहले द लग जाता है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग हो जाता है तो द लग जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। यहाँ देखिए नीचे दिया भी है, द रिच बराबर
रिच पर्सन्स, द पुअर माने पुअर पर्सन्स, इसका प्रयोग सदा प्लूरल में होता है, यानी कि द रिच माने अमीर लोग, तो उसमें लोग या अमीर व्यक्ति आ गया ना, तो यस लगाने इसमें कुछ अलग से पर्सन्स लिखना नहीं पड़ता है। रिच के बाद अगर पर्सन्स लिखो या तो तब अमीर लोग होगा, या तो रिच के पहले द लगा दो, पर्सन्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसलिए उसके बाद अगर लिखना होगा अमीर खुश हैं तो द रिच आर हैप्पी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन माना गया है ना इसको। ऐसे पेपर में देगा रिच शुड हेल्प पुअर दे देगा, तो पुअर और रिच के पहले द आपको लगाना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा आर्डिनल्स के पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव मतलब से और आर्डिनल्स, सुपरलेटिव यानी बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब ईएसटी जिसके अंत में रहता है या तो उसके पहले मोस्ट रहता है तो द लगता है ना, द मोस्ट, द बिगेस्ट। ऐसे आर्डिनल्स किसको कहते हैं, आर्डिनल्स माने से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्रम सूचक कुछ संख्याएं होती हैं उसको हम आर्डिनल्स कहते हैं। के पहले द, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, तो द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे कहना पड़ेगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो बेस्ट सुपरलेटिव है तो द लगा है। द डार्केस्ट इसके पहले द लगा है, सुपरलेटिव है। सी इट ऑन द फर्स्ट पेज, यहाँ फर्स्ट क्या है आपका, आर्डिनल्स है, क्रम सूचक संख्या शब्द है ना, संख्या है, तो इसके पहले द लगेगा। ठीक, देखिए अगला नियम है कंपेरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भात प्रयोग होने पर द लगता है। जैसे द सूनर द बेटर, माने जितना जल्दी उतना अच्छा, तो मतलब इस तरह से कंपेरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भात कब होता है, जैसे जब कोई चीज़ उतार चढ़ाव के हिसाब से बताना होगा तो उसमें द लग जाता है। दोनों डबल, दो कंपेरेटिव डिग्री रहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब जो रहता है, दोनों दो एडवर्ब साथ आते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, तो दोनों पहले द लगा देते हैं। जैसे द सूनर द बेटर, इसका अर्थ है द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़, मतलब जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। द हायर यू गोज, माने जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हो, द कूलर यू फील, उतना ज़्यादा तुम महसूस करते हो ठंडा। तो यहाँ पहले द का अर्थ जितना होता, दूसरे द का अर्थ उतना होता है, इतना ध्यान देना, क्लियर। ऐसे वाक्य में यन वाला देखते हैं, ऐसे प्रॉपर नाउन जिनके के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो द लगाते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो वैसे तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन द लगा के इसको कॉमन बना दिया गया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, कहने मतलब कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे कवि हैं। भाई शेक्सपियर इंग्लिश में नाटक लिखे हैं, कालिदास संस्कृत में लिखे हैं नाटक, तो दोनों नाटक कर रहे हैं ना, तो तुलना कर दिया गया, वो इंग्लैंड के नाटक कर रहे हैं अपने इंडिया के। जैसे उनके नाटक पूरे विश्व में फेमस है, इनके नाटक भी, कालिदास के भी पूरे विश्व में फेमस है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ फिनलैंड, कश्मीर स्विट्जरलैंड है भारत का, यानी कि स्विट्जरलैंड जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देश है, ठीक है ना भाई। स्विट्जरलैंड भी सौंदर्यपूर्ण देश है, कश्मीर भी है, वो इंग्लैंड का है, ये भारत का। आगे देखते हैं, देशों के नाम से पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता तथा प्रयोग ना होने से देश की भाषा का बोध होता। जैसे कोई देश का नाम रहेगा उसके पहले द लगाओगे तो वहाँ के देश के व्यक्तियों को बताने लगे। जैसे इंग्लिश के पहले द लगा द इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब इसका अर्थ है अंग्रेज, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल को पीपल ना लिखना, लिख करके अंग्रेज लोग, की अंग्रेज द लगा दोगे इंग्लिश के पहले तो द अंग्रेज लोग उसका हिंदी हो जाएगा। और केवल इंग्लिश लिखोगे द नहीं लगाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा माना जाएगा, क्लियर। जैसे एक कहावत है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो इंग्लिश शुरू में है द नहीं लगा, इंग्लिश अंग्रेजी, फिर लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा, द इंग्लिश माने अंग्रेजों, तो वही चीज़ है। उसी तरह से देखिए द फ्रेंच माने होता फ्रांस के लोग, आप या फ्रांसीसी कह सकते हो, फ्रेंच अकेला रहेगा तो उसका मतलब होता फ्रांसीसी भाषा। द ग्रीक माने यूनानी लोग, और ग्रीक माने यूनानी भाषा। अगला रूल है पी वाला, आल और बोथ के बाद प्रायः द का प्रयोग होता है, यानी आल और बोथ के साथ अक्सर क्या लगता है, द लगता है। जैसे ऑल द मेन केम, सभी लोग आए, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, दोनों दोस्त वहाँ थे। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इस तरह से कोई भी इतिहास की कोई चीज़ रहेगी उसको बताने के लिए ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक दिन द लग जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कि इतिहास से रिलेटेड जैसे द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, द गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश, ये सभी के पहले भी द लगता है। लाल किला, द रेड फोर्ट,
ठीक, द ताजमहल। आर वाला देखिए, सरनेम्स के पहले जिनसे परिवार के सदस्यों का बोध होता है द का प्रयोग होता है। सरनेम माने होता कुल नाम या वंश का नाम जो होता है ना, तो उसको सरनेम कहते हैं। जैसे मौर्य, वर्मा, सिंह, पटेल, ये सब क्या है, सरनेम है। क्लियर, पांडे। तो जैसे शर्मा देखिए, हाँ, द शर्माज माने द मेंबर ऑफ शर्मा फैमिली, शर्मा परिवार के लोगों को द शर्माज कह देंगे। हैव गॉन ऑन ए टूर, टूर पर गए हैं, ठीक। शर्माज, बर्माज, ऑनडेज, मौर्यास, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर, यानी आप उसमें यस लगाएंगे उसके पहले, यानी जाति सूचक शब्द के बाद यस लगा देंगे, उसके पहले द लगा देंगे, तो पूरे परिवार के सदस्यों को बताने लगेंगे। क्लियर, पहले मार्को पोलो वाला एक पार्ट था, तो द पोलोस था, पोल परिवार के लोग, नौ में था। अगला देखते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल माने आर्टिकल का लोप। अब ये बताया जाएगा इसमें आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता। अब तक तो बताया गया था कि आर्टिकल कहाँ लगता है, अब आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ना होगा कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है, ठीक। जिसको आप कह सकते हो सिंपली नो यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग ना होना। तो नो यूज ऑफ आर्टिकल देखते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता। इसमें आप जान गए हैं कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, फटाफट देखते चले जाइए। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परीक्षा में लगाया रहेगा तो आप हटा देना। जैसे ही इज गोइंग टू द कोलकाता, कोलकाता स्थान का नाम प्रॉपर नाउन, तो इसलिए द नहीं लगेगा, द हटा दीजिए, बस बात खत्म, करेक्ट वाक्य हो जाएगा। पहला वाक्य इनकरेक्ट है, गलत है, अशुद्ध है इनकरेक्ट माने, और करेक्ट माने शुद्ध। डेलाइक देखिए, दूसरे में डेलाइक पहले द हटा दिया गया है, शॉर्टकट में जान लीजिए। अगला है मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, सोना एक उपयोगी धातु, गोल्ड मटेरियल नाउन, इसलिए इसके पहले द नहीं लगेगा। भाई सोना कीमती है तो कीमती है, तो सामान्य रूप से बताया जा रहा है ना। द आयरन इज ए यूजफुल मेटल, तो इसमें भी द नहीं लगेगा, क्योंकि लोहा एक उपयोगी धातु ये भी है। सामान्य अर्थ में नहीं होता, लेकिन विशेष अर्थ में होता है। देखिए नीचे दिया नोट में, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता तो द लगता है। विशेष का मतलब सभी सोने और सभी लोहे की बात नहीं किया, कुछ अलग विशेष। जैसे देखिए, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरी अंगूठी का सोना शुद्ध है। तो अब यहाँ क्या सभी सोने की बात नहीं किया गया, विशेष जो अंगूठी में सोना है, इसलिए द लगेगा। अब एक बात यह भी जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए, कैसे जानो कि विशेष है, जब उसी गोल्ड या कोई भी मटेरियल नाउन रहेगा उसके बाद ऑफ लगा के फिर नाउन लिखा जाएगा, तो ऑफ से उसको निश्चित कर दिया जाता है, तभी इसीलिए निश्चित आर्टिकल द लग जाता शुरुआत में। क्लियर, द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का पानी, तो यहाँ देखिए वाटर के पहले द लग गया, क्योंकि ऑफ लगा दिया गया है ना, तो गंगा का पानी, सभी नदियों का पानी की बात नहीं किया जा रहा, तो इसलिए द लग गया, इज पोल्यूटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नहीं लगता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो द हटा देंगे तो वाक्य करेक्ट हो जाएगा। अगला है चौथा, कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ए मैन इज मोर्टल माने होता है मनुष्य मरणशील होता है, तो मैन या वोमेन ये कॉमन नाउन है, जब इसको पूरी मानव जात के लिए लगेगा मैन का प्रयोग, तो उसके पहले ए या एन नहीं लगता। क्लियर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, द हटा दीजिए, ए हटा देंगे यहाँ। मैन इज मोर्टल एक कहावत है, ऐसे ही लिखा जाता है, मनुष्य मरणशील होता है, क्योंकि पूरे मनुष्यों की, पूरी मानव जात की बात किया जा रहा है, तो व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो द नहीं लगेगा। जैसे एक और वाक्य इसी तरह का है, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वहाँ सभी मनुष्य की बात की, वहाँ भी द नहीं लगेगा, ए नहीं, ए एन वहाँ भी नहीं लगेगा। वोमेन आर मैंस मेट, स्त्री पुरुषों की साथी होती हैं, तो उस वहाँ भी द नहीं लगेगा, पूरे स्त्रियों की बात किया जा रहा है। क्लियर, इस तरह के कुछ सेंटेंसेज आपको बताए गए। अगला देखिए पाँचवा, जब कुछ नाउन जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनके पहले द नहीं लगेगा। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ने के लिए खुला है ना, तो आदमी पढ़ने के लिए ही जाएगा, अपने उद्देश्य के लिए जाएगा, तो द नहीं लगेगा। दूसरे काम से जाएगा तो द लगेगा, ठीक। उदाहरण देखिए, ही गोज टू द स्कूल, तो यहाँ वह विद्यालय जाता तो भाई पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए कोष्ठक दिया ना, तो इसलिए स्कूल के पहले द नहीं लगेगा। सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, वह 10 बजे मंदिर जाती है तो प्रार्थना के लिए जाती है, इसलिए भी यहाँ टेम्पल पहले द नहीं लगेगा। यदि हम इन स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द लगता है, नीचे लिखा गया है। जैसे माय फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, मेरे पिता स्कूल प्रिंसिपल से मिलने गए, तो पिता स्कूल में गए हैं प्रिंसिपल से मिलने, ना कि पढ़ने,
इसलिए यहाँ स्कूल से पहले द लगा है। सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर, कुछ कार्यकर्ता जो है श्रमिक लोग मरम्मत करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो मतलब पूजा करने के लिए नहीं मरम्मत करने के लिए, तो इसीलिए टेम्पल से पहले द लग गया है। काइंड ऑफ और शार्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। काइंड ऑफ माने प्रकार का, शार्ट माने भी प्रकार होता है, एस ओ आर टी, ध्यान देना एस एच ओ आर टी रहता है तब शार्ट माने छोटा होता है। ये प्रीपोजिशन, इनके पास आर्टिकल नहीं लगता है। तो व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, तो ए मैन नहीं रहेगा, काइंड ऑफ मैन किस प्रकार का आदमी हुआ है, तो आई डू नॉट लाइक दिस शार्ट ऑफ ए मैन नहीं रहेगा, शार्ट ऑफ मैन, क्लियर, मैं इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं पसंद करता हूँ। सातवां देखिए, बीमारियों के, बीमारियां जैसे रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपने किस्म की एक है, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारी पहले आप आर्टिकल का प्रयोग ना करिए, जैसे फीवर, मलेरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, ठीक है, डाइसेंट्री माने पेचिस होता है, प्लेग माने महामारी होता है, ये सभी बीमारी के नाम है, इनके पहले द नहीं लगेगा। हाँ, नोट याद कर लेना, केवल दो बीमारी पहले द लगेगा, दो बीमारी के नाम याद कर लो जहाँ द लगेगा। एक है मीजल, जो है मीजल माने खसरा, मम्स माने कंठमाला का रोग, या गलसुआ रोग जिसको कहते हैं, गाल में जिसको गलसुगनवा कहते हैं, गलसुआ, उसके ये दो बीमारी पहले द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, क्लियर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या रेगुलर मील्स, नियमित रूप से लिए जाने वाले भोजन, इनके पहले भी द नहीं लगेगा। हेल, हैवन, गॉड, नरक, स्वर्ग, भगवान, इन तीनों के पहले भी द नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने किस्म की एक है। अपवाद में जान लीजिए, डेविल माने राक्षस होता, पोप माने, ये पोप एक धार्मिक व्यक्ति था वो यहूदी धर्म में, ठीक है, यहूदी से, तो उसको पोप और डेविल के पहले द लगेगा, इतना ध्यान देना, इन दोनों को याद कर लूँ। अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन, अगला रूल है, के बाद आने वाले नाउन के पहले कम्प्लीमेंट का काम करते, जो कम्प्लीमेंट का काम करते हैं मानी पूरक का, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये चारों शब्द याद कर लेना, अपॉइंट माने नियुक्त करना, इलेक्ट माने चुनना, मेक माने बनाना, क्राउन माने मुकुट, इनके बाद आप मत लगाना आर्टिकल। उदाहरण जैसे दे मेड हिम इम्परर, तो यहाँ देखिए ए इम्परर, एन इम्परर नहीं लगाया गया है। ही वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, इसके प्रिंस को पहले भी आर्टिकल नहीं लगा। किंग, देखिए ही वाज क्राउन्ड किंग, क्राउन के नाते किंग पहले नहीं लगा। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे आई प्ले हॉकी, आई ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब खेल के नाम है, द नहीं लगेगा, कौन आर्टिकल नहीं लगेगा इनके पहले। रूल नंबर 10 कह रहा है, नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो तो स्वभाव नहीं, तो यह बिना आर्टिकल के। नेचर माने जैसे प्रकृति भी होता है, नेचर माने स्वभाव भी होता है व्यक्ति का, तो अगर प्रकृति अर्थ रहेगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण, पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर, पंत जो है प्रकृति के कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत, आप हिंदी में जानते होंगे, वो प्रकृति के कवि हैं, तो यहाँ द नहीं लगा इसलिए। और एक बात और ध्यान देना आप, नेचर अगर अर्थ प्रकृति रहता तो यह बड़े से लिखा जाता है, क्लियर। नोट, जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग होता है वहाँ यन कैपिटल ही लिखना चाहिए, बता दिए आपको। 11वां, दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है, ये भी ध्यान देना। संडे इज ए हॉलीडे, संडे दिन का नाम है, आर्टिकल नहीं लगा। जून महीने का नाम, आर्टिकल नहीं लगा। विंटर देखिए ऋतु का नाम है, स्प्रिंग भी ऋतु का नाम है, इनके पहले द नहीं लगा, यानी कोनो आर्टिकल नहीं लगे इनके पहले, ठीक ना। 12वां, बोकैटो केस के नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बोकैटो केस माने होता संबोधन कारक, यानी कोई नाउन रहता है जिसको हम संबोधित करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। उदाहरण, गो देयर बॉय, वहाँ जाओ लड़के, तो लड़के को संबोधित किया जा रहा है तो द नहीं लगा। कैसे जानो संबोधित, इसके पहले कामा लगता है, अगर शुरू में रहता तो इसके बाद कामा लगता है। सेट डाउन बॉयज, इसके पहले भी देखिए आर्टिकल नहीं लगा। यहाँ निम्नलिखित फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो जैसे बने वैसे लिखे जाएंगे, उसमें आर्टिकल हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बाय ट्रेन, ट्रेन से, ऑन फुट, पैदल, बाय एयर माने हवाई जहाज से, बाय सी समुद्री मार्ग से, बाय वाटर जल मार्ग से, बाय लैंड स्थल मार्ग से, बाय हैंड हाथ से, बाय नेम नाम से, बाय मिस्टेक गलती से, बाय लेटर लेटर से, बाय टेलीग्राम टेलीग्राम से। अगला, ऑन सेल माने बिक्री पर, ऑन ड्यूटी ड्यूटी पर, ऑन फुट पैदल, ऑन लैंड स्थल पर, ऑन डिमांड डिमांड पर, एट सी, एट होम, एट नाइट, एट नून, ये सब पूरा आप याद कर लेना, क्लियर। इन ट्रबल कस्ट में, इन डेप्ट, इस तरह से, इन क्वेश्चन, इन हैंड, ये सब फ्रेज हैं। और टू गिव ईयर, टू टर्न टेल, टू सेंड वर्ड, ये सभी फ्रेज हैं, इनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट वीक, लास्ट, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। चलिए अब रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल की पुनरावृत्ति, ठीक है, इसके बाद आर्टिकल की पुनरावृत्ति आप पढ़ेंगे। अब आर्टिकल की पुनरावृत्ति पढ़ेंगे आप, आर्टिकल की पुनरावृत्ति में क्या पढ़ेंगे आप, मतलब ये बताएगा अब कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये दोनों बता दिए गए। अब फिर से पुनरावृत्ति माने दोहराना, फिर से हम थोड़ा सा
कंपरेटिव स्टडी करेंगे कि हाँ कब लग सकता कब नहीं लग सकता। तो इसमें रूल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा तर्क वितर्क करके कंडीशन जानेंगे कि इस कंडीशन में क्या यूज करना चाहिए। देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन एरर सिवाय। देखिए, जब दो नाउन एक से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करें तब वे कनेक्टिव एंड से जुड़े हों तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के पहले ही आता है। ठीक, इसमें हम देखें कहाँ लगता कहाँ नहीं, मिला के पढ़ेंगे। ठीक ना, जैसे दो रूल यहाँ बताए जाएंगे। यहाँ क्या बताया जाए कि जब कोई दो से ज़्यादा एडजेक्टिव रहेंगे, ठीक, दो या दो से अधिक एक ही नाउन को क्वालिफाई करें, मतलब एक ही नाउन के लिए आए हैं तो एंड से जुड़े हों तो केवल पहले वाले एडजेक्टिव पहले लगता है। मतलब रहें, जैसे उदाहरण देखिए, द रेड एंड वाइट फ्लावर, लाल और सफ़ेद फूल। वन फ्लावर देखिए क्वेश्चन दिया ना, एक ही फूल है, वही फूल लाल भी है और सफ़ेद भी है। तो भाई देखिए, वाइट और रेड तो एडजेक्टिव है, फ्लावर नाउन है, नाउन की विशेषता बतला रहे हैं। तो एक ही फूल है, दो आधा लाल है आधा सफ़ेद, तो इसलिए द केवल एक ही जगह लगेगा। दो फूल होता तो दो जगह लगता, क्लियर, तब द रेड एंड द वाइट हो जाता है, मतलब अलग अलग फूल माना जाता है। एक ही फूल है तो एक जगह शुरुआत में लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, क्लियर हो गया। दूसरा, आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, मैं एक काली और सफ़ेद गाय देखा, मतलब गाय काली भी है सफ़ेद भी है, एक ही गाय है, तो इसलिए भाई देखिए एडजेक्टिव दोनों एक ही नाउन को विशेषता बतला रहे हैं, क्लियर। इसी का उल्टा दूसरा नियम देख लीजिए, जब दो या अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले लगता है। जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर, तो यहाँ लाल और सफ़ेद फूल, यानी कि दोनों फूल, दो फूल हैं, एक लाल है और एक सफ़ेद। इसका अर्थ है कि दो फूल हैं, नीचे दिया भी है, एक लाल रंग का दूसरा सफ़ेद रंग का। नोट, यदि नाउन प्लूरल में है तो आर्टिकल दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे नाउन प्लूरल में है, मतलब बहुवचन का शब्द है, तो दो बार आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। चैप्टर बहुवचन है तो इसलिए सेकंड और फर्स्ट दोनों पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक वचन होता तो द लगाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि तब दो द लगाते तभी बहुवचन माना जाता कि दो हैं। यहाँ तो पहले से बहुवचन है तो लगाने की जरूरत नहीं है। द फ्रेंच एंड इंग्लिश लेफ्ट द फील्ड, फ्रांस और अंग्रेज लोग, फ्रांस के लोग अंग्रेज के लोग फील्ड को छोड़ दिए, तो यहाँ वैसे भी बहुवचन माना ही जाता है, लगा दिया जाता है इसके पहले दातु, फ्रेंच के पहले इंग्लिश पहले, एक ही जगह लगेगा। तीसरा है, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज कम, यहाँ एक ही व्यक्ति कह रहा है, क्वेश्चन दिए दोनों पद पे हैं, मतलब सचिव सेक्रेटरी माने होता है, सचिव और प्रबंधक आ गए हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके सचिव भी वही है, मैनेजर भी वही है, तो दोनों एक ही आदमी है, दोनों पद पे हैं, वही सचिव का भी काम कर लेते हैं, मैनेजर तो है ही, तो वो आ गए हैं, तो इसलिए जब एक ही आदमी है तो दो जगह द नहीं लगेगा, क्लियर, पहले पहले लगेगा। एक बात ये भी ध्यान देना, जब एक के पहले ही लगेगा तो वर्ब भी एक वचन की लगेगी, क्योंकि वर्ब की मिस्टेक में भी आप इसको पढ़ेंगे भाई, जब एक वचन का रहेगा तो वर्ब भी एक वचन की ही लगेगी, क्लियर हो गया ना। तो नाउन और वर्ब दोनों जानना जरूरी है। इसलिए चौथा रूल कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक भिन्न नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल प्रत्येक नाउन के पहले लगेगा। अब देखिए, निचला वाक्य है, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम, यहाँ दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, तो इसलिए हैव लग गया है और मैनेजर पहले भी द लगा है, क्लियर हो गया ना। यानी कि मैनेजर जो थे सचिव दूसरा नियुक्त किए, तो दो लोग हो गए तो द लगा। रूल नंबर पाँच हमारा कह रहा है, हाफ के बाद आर्टिकल ए या एन जरूर आता है। जैसे हाफ एन आवर, माने आधा घंटा, के अंग्रेजी हाफ एन आवर क्यों लिखते हो, क्योंकि आधा घंटा हाफ आवर भी लिख सकते थे, लेकिन ग्रामर का रूल है हाफ के बाद ए या एन जरूर आता है, क्लियर। आधा घंटा, हाफ ए ईयर माने एक साल। एक बात और ध्यान देना, ईयर के पहले बहुत बच्चे एन लगा देते, पेपर में भी आ जाता, वो गलत रहता है। आप सोचोगे ईयर पढ़ रहे हो ना, ई नहीं पढ़ते, इसका उच्चारण जब लिखेंगे ना तो यह लिख के छोटी एक मात्रा लगाएंगे फिर आर लिखेंगे, इसलिए ए लगता है, क्लियर हो गया ना। इसका उच्चारण यह से होता है, ई अर शुद्ध है, इसलिए ए लगा है, क्लियर हो गया ना। और कान वाले में ई रहता है ना कि ईयर साल वाले में, क्लियर भाई। इसका उच्चारण जब लिखोगे ई अर, या से या लिखोगे, ई से तब ई लिखोगे, ई अर शुद्ध है, डिक्शनरी में देखोगे तो, इसलिए ए लगा है, क्लियर हो गया। अगला, सच के बाद ए या एन जरूर आता है। सच के बाद भी बिना ए या एन के हम नाउन नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण, आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ, क्लियर।
एक्सीडेंट पहले आने लगा है, मैं इतना ऐसी दुर्घटना अपने जीवन में नहीं देखा था। सी इज इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग, वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है। ठीक, थिंग के पहले था आ रहा है तो ए लगा, एक्सीडेंट में ए आ रहा था, आने लगा, वो तो जरूरत के हिसाब से लगेगा। सातवां रूल कह रहा है यदि विशेषण से पूर्व सो आए तो विशेषण और संज्ञा के बीच में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। उदाहरण, हल्कू हैड नो स्लीप सो कोल्ड ए नाइट, हल्कू इतना ठंडी रात में कोई नींद नहीं ले सका था। ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस एन आर्मी, ब्रूटस ने इतना क्रोधित सेना का क्या किया, फेस्ड माने सामना किया। यहाँ ध्यान आपको ये देना कि सो के बाद देखिए यहाँ कोल्ड आ गया ना, एडजेक्टिव आया ना, उसके बाद नाउन लिखना है नाइट तो ए लगा के लिखना पड़ेगा। दूसरे में सो के बाद फ्यूरियस एडजेक्टिव है तो आर्मी लिखना था एन। तो यही चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी हम बताए थे, सो ब्यूटीफुल ए गर्ल, सो ब्यूटीफुल ए ऐसे फ्लावर ऐसा था ना, तो वहाँ भी ए इसीलिए लगाए थे। तो आपका ये आर्टिकल का कंप्लीट रूल पूरा हो गया। अब आज की क्लास में इतना, अगली क्लास में आपको इसका एक्सरसाइज करा दिया जाएगा, आप लोग घर से करके लाएंगे, कल मिलवा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।